अच्छा नेबी रॉक स्ट्रीम्स, तो आप लोगों के लिए आ गया भाई ये मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा चाइनीज सुपर लीग का SHIJ वर्सेस CHQ के बीच 2 घंटे 13 मिनट बाद। बात करूँ भाइयों इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी, तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो फटाफट आकर इस पर जुड़ो और इधर आप पा सकते हो 100% विनिंग टीम हर मैच की एंड जीत सकते हो भाइयों कुछ ऐसे, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या अल्ट्रा विनिंग चल रही है इस चैनल पर यार, आप देख ही रहे होंगे। आपको मतलब एक बार आप खुद आके चेक भी कर सकते हो, ऐसे मैं बड़ी बड़ी बातें करूं उससे बढ़िया कि आप खुद आके देख लो एंड आप ग्रुप का नाम देख लो कि भाई 1.7 के मेंबर वाला ग्रुप है। चलते हैं आगे, तो सबसे मेन बात मेरी याद रखना कि फुटबॉल में ये जो मैच है SHIJ वर्सेस CHQ में, इसमें हमें पहले देखना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सी टीम स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से जो टीम स्ट्रांग है वो है SHIJ, तो मैं आपको बता रहा हूँ अपनी अपनी प्रेडिक्शन। बात करूँ गोल कीपर की तो यहाँ से ले मतलब टॉप का गोल कीपर जिसका नाम है SVJ भाइयों प्रीवियस 2 मैच से नहीं खेल रहा, जब से न्यू पॉइंट सिस्टम अपडेट हुआ है तब से प्लेयर खेलने नहीं आया, तब लोगों ने इसको नहीं चुन के लोगों ने ऊपर से एक प्लेयर था जिसका नाम है एस पुलियंग। लेकिन मैं ये गलती नहीं करूंगा पुलियंग को चुनने की, क्योंकि आज पुलियंग जाए तो बहुत रॉक भी कर सकता है या पूरा फ्लॉप भी जा सकता है, 50-50 जाएगा, तो 50-50 प्लेयर पे मैं आज इतना भरोसा नहीं कर रहा। बात करूँ डिफेंडर की तो यहाँ से लूंगा SUNZU को, SUNZU ऑल्सो ए गुड प्लेयर भाइयों, आपको बता दूँ कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के लिए बहुत अच्छी पिक है, दिखने में डिफेंडर लगेगा आपको लेकिन गोल और असिस्ट करने में भी भाई काफ़ी ज़बरदस्त है ये प्लेयर। आगे से बात करूँ C-Squan की तो C-Squan ऑल्सो भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त, पिछला मैच कुछ खेला नहीं था लेकिन जब भी ये बंदा खेलता है उस दिन भाइयों रॉकिंग होता है। और आगे से बात करूँ यहाँ से एक और प्लेयर लूंगा जिसका नाम है ZZUN भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है ZZUN, मुझे मतलब ये शुरू से काफ़ी बढ़िया प्लेयर लगता है एंड आप देख ही सकते हैं क्या प्लेइंग है प्लेयर की। बात करूँ मिडफील्डर की तो यहाँ से लूंगा टॉप का प्लेयर जिसका नाम है भाइयों एड्रियन मिज़रविस्की, जो कि आपको बता दूँ कि ये प्लेयर अगर देखा जाए 11 सितंबर के मैच में 1 गोल + 2 असिस्ट करके गया था, तब ये न्यू पॉइंट सिस्टम अपडेट नहीं आई थी तभी इसके 23 पॉइंट्स थे। 23 पॉइंट्स तो आजकल एक एक प्लेयर बिना गोल के हैं, लेकिन ये बंदे ने इतनी मेहनत की पर मैं इसको सैल्यूट है भाई प्लेयर को कि क्या खेलता है। पी वैंग की बात करूँ तो पी वैंग भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त पिक मिलती है आपको यहाँ से, तो ये देख सकते हैं आप पिछले मैच में ना इसने कोई गोल किया ना इसने कोई असिस्ट की, नॉर्मल एक ने नॉर्मल खेला, इसने टैकल्स भी वॉन किए, तो नॉर्मली आपको भाइयों 41 पॉइंट दे गया। और आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा ZZU को, तो मैंने भाइयों ZZU को इसलिए लिया है जैसे कि आपको पता है इसकी मतलब बेल आपको ओपोनेंट की टीम में दिखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी सिलेक्शन जो आप देख रहे हो बहुत ही कम है और ये बहुत ही रेयर मैचेस खेलता है। और आगे से बात करूँ यहाँ से मैं एक और प्लेयर लेने वाला हूँ जिसका नाम है F-Silva, ये प्लेयर होता है भाई ज़बरदस्त, मतलब अगर देखा जाए तो CHQ के पास 1-2 टॉप प्लेयर है उसमें से एक नाम ये भी है भाइयों जो कि गोल करने में माहिर है। आगे से बात करूँ सीपू की, इस प्लेयर के अंदर खासियत क्या है, ये है अनएक्सपेक्टेड प्लेयर और ये काफ़ी दिन से खेल नहीं रहा ना इसने पिछला मैच खेला, ये पॉइंट्स बहुत मतलब ये ना इस वक्त लाइनअप में नहीं था, मैं आपको पहले बता दूं इसने कोई भी मैच नहीं खेला हुआ, ये जो आप पॉइंट्स देख भी रहे हैं ना इसके 74 पॉइंट्स, इसने अभी तक एक मैच भी नहीं खेला, तो मैंने अभी तो रिस्क लिया है क्योंकि अगर ये लाइनअप्स में हुआ तो मेरी टीम में तो रहेगा ही रहेगा और आपको भी मैं बोलूँगा कि इसको रखो, लेकिन अगर लाइनअप्स में नहीं हुआ तो मत रखना, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर आपका लॉस जा सकता है। तो मैं एक ऐसा प्लेयर आपको बताऊँगा कि कौन सा लेना है, आपको सारा कुछ ग्रुप में पता भी चलेगा। बात करूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड की तो एम लीड का जैसे कि आपको पता ही है कि भाई गोल करने में माहिर है एंड बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस प्लेयर है, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस प्लेयर के पास होगा उतने ज़्यादा गोल होने के चांस होंगे। और आगे से बात करूँ यहाँ से एक और प्लेयर वालों जिसका नाम है एलन कैडक ऑल्सो ए गुड प्लेयर, आप देख सकते हैं प्रीवियस मैच में गोल भी करके गया था। तो वीडियो क्वालिटी से समझौता करो भाइयों, क्योंकि हमारी मिस्टेक नहीं है, वीडियो क्वालिटी पीछे से डाउन की गई है उस कारण आपको वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी, तो कोई बात नहीं भाई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आगे से बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की तो कैप्टन रहने वाला SUNZU एंड वाइस कैप्टन M-Lead, ये मैं अभी सेफ किया हूँ, अगर मैं भयंकर रिस्क लेता तो हमें लॉस होने का चांस होता, इसलिए इसमें रिस्क मत लो, चाइनीज सुपर लीग है IPL में भी माइंड लगाना है, इसलिए आपको यही बोल रहा हूँ इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, आपको नॉर्मल एक टीम बना दी जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन को आप रिजर्व कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। बाकी मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ।